मार्च 2004 की बात है, जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले में आतंकवादियों के एक सीक्रेट ठिकाने पर शाम का वक्त था। खाट पर लेटा हुआ अबू तुरारा बगल में लेटे अपने साथी से कहता है, पता है कुछ गड़बड़ है। उसका साथी अबू सबजार अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर उसे सुलगाते हुए तुरारा की तरफ गर्दन घुमाता है। तुरारा अब तक खड़ा हो चुका था। दीवार से टेक लगाए तुरारा के पैरों में एक AK-47 रखी हुई है। उसकी नजर किचन की तरफ है, जहां दरवाजे को पार कर गर्म गर्म कहवे की खुशबू उन दोनों तक पहुंच रही है। अपनी सिगरेट बुझाते हुए अबू सबजार तुरारा से कहता है, क्या तुझे उससे कुछ और बात भी करनी है? जिसकी बात करने की बात हो रही थी, वो शख्स अब तक ट्रे में कहवे के 2 कप लेकर उनके सामने आ गया था। 6 फुट 2 इंच लंबा वो शख्स कंधे तक जुल्फे लिया हुआ था, चेहरा घनी दाढ़ी से ढका हुआ और चेहरे पर एक शांत गंभीरता थी। इस शख्स का नाम था इफ्तिकार भट्ट। भट्ट के कंधे से एक राइफल लटक रही थी। अपने दोनों साथियों को कहवा पिलाने के बाद उसने थोड़ा सा कहवा एक और गिलास में डाला और उठाकर पीने लगा। तीनों के बीच उसे 1 घंटे में कोई बात नहीं हुई। बात करने को ज़्यादा कुछ था भी नहीं, प्लान तय था। भारतीय फौज जब शोपियां के आसपास गश्त पर होगी तो उन पर आतंकवादियों की एक टुकड़ी हमला करेगी। मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फौजियों को मारना था। इस प्लान का मास्टरमाइंड खुद इफ्तिकार था। उसने बाकायदा सेना के गश्त रूट का पूरा नक्शा बना लिया था। बस अब ऑपरेशन को अंजाम देने की बारी थी। उस रोज जब शाम को तीनों लोग मिले, तुरारा के मन में कुछ सवाल थे। इफ्तिकार से उसकी मुलाकात सिर्फ 2 हफ्ते पहले हुई थी। नाम के अलावा उन्हें इफ्तिकार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। हालांकि उसका प्लान सॉलिड था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आए। प्लान को अमली जामा पहनाने से पहले उस शाम तुरारा ने उससे पूछा आखिरी बार कि तू है कौन, कौन था इफ्तिकार। इसी सवाल से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इफ्तिकार भट्ट की कहानी शुरू होती है 2001 से। शोपियां के पास एक गांव में रहने वाला आम लड़का, फिर एक रोज भारतीय फौज की कार्रवाई में उसके भाई की मौत हो गई। यहीं से इफ्तिकार ने ठान लिया कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेगा। इसके लिए उसे मदद की जरूरत थी। उसे पता था मदद सिर्फ एक जगह से मिल सकती थी, हिजबुल मुजाहिदीन, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जो जम्मू कश्मीर में लोगों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए रिक्रूट करता था। हालांकि हिजबुल के कमांडर हर वक्त होशियार रहते थे, इसलिए उनसे मुलाकात करना इतना आसान भी नहीं था। 3 साल और कई कोशिशों के बाद इफ्तिकार को 2 नामों के बारे में पता चला, अबू तुरारा और अबू सबजार। दोनों हिजबुल के कमांडर थे और घाटी में उनका नाम हर कोई जानता भी था। दक्षिणी कश्मीर में दोनों अब तक हजारों लोगों को रिक्रूट कर चुके थे। इफ्तिकार को अगर बदला लेना था तो मदद के लिए इन दोनों से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। एक रोज किसी तरह इफ्तिकार इन दोनों से मिलने में कामयाब हो गया। उसने दोनों को अपनी कहानी सुनाई और दरख्वास्त की कि भारत की फौज से बदला लेने के लिए उसे उनकी मदद चाहिए। सबजार और तुरारा को ऐसे ही लड़कों की जरूरत थी। बदला लेने को आतुर या गठीला जवान उनके बहुत काम आ सकता था। दोनों उसे अपने साथ अपने ठिकाने तक लेकर गए। शुरुआत में इफ्तिकार चुप चुप रहता था, फिर एक रोज अचानक उसने सबजार और तुरारा के आगे एक नक्शा रखा। नक्शे में फौज के गश्त का पूरा लेखा जोखा था। उसकी तैयारी से मालूम पड़ता था कि उसने कई सालों तक सेना पर नजर रख के नक्शा तैयार किया था। तुरारा और सबजार बहुत इंप्रेस हुए और अगले 2 हफ्तों तक दोनों ने उसकी ट्रेनिंग करवाई। उसे अलग अलग सिनेरियो देकर पूछा गया कि अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो क्या करेगा, दूसरी कोई सिचुएशन हुई तब क्या करेगा। हर बार उसका जवाब एक ही होता, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं कुछ भी सीखने को तैयार हूँ। तुरारा और सबजार के लिए अब आधा काम हो चुका था। कुछ रोज बाद उन्होंने इफ्तिकार को बताया कि ऑपरेशन की तैयारी के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए गायब होना होगा। इफ्तिकार ने कहा कि वो अपना मिशन पूरा किए बिना गांव वापस नहीं जाएगा, इसलिए दोनों उसे अपने साथ एक सीक्रेट ठिकाने पर ले गए। अगले 2 हफ्ते तक ऑपरेशन की बारीकियां तैयार की गई और मिशन से ठीक पहली रात तीनों अपने ठिकाने पर चाय पी रहे थे। उसी रात का जिक्र हमने किया था। उसी रात ग्रेनेड्स का एक कंसाइनमेंट भी आना था। साथ में हिजबुल के 3 और लोग उनसे मिलने आने वाले थे, जिसके बाद अगली दोपहर हमले को अंजाम दिया जाता। लेकिन ऑपरेशन से ठीक पहले तुरारा का खुराफाती दिमाग कुलबुलाने लगा। उसके मन में रह कर एक ही सवाल उठता था कि ये इफ्तिकार आखिर है कौन। उस शाम जब तुरारा ने चाय के दौरान इफ्तिकार से सवाल पूछा कहवा पीते हुए, तो पहले तो वो चुप रहा, फिर अपना ग्लास जमीन पर पटकते हुए उसने 2 कदम पीछे लिए और अपने कंधे से राइफल निकाली। तुरारा और सबजार कुछ हरकत करते, इससे पहले ही इफ्तिकार ने अपनी राइफल जमीन पर पटकते हुए तेज आवाज में उनसे कहा कि अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो ये लो बंदूक और गोली मार दो मुझे।
यह सुनकर तुरारा उठकर खड़ा हुआ। उसने इफ्तिकार को गौर से देखा, फिर सबजार की तरफ कुछ कहने के लिए मुड़ा। इतनी देर में गोली की आवाज आई। ये गोली सबजार की पीठ पर लगी थी। इसके बाद अगली गोली ने तुरारा की तरफ रुख किया। मिनट से भी कम वक्त में दोनों जमीन पर ढेर हो चुके थे। हथियार से धुआं अभी भी निकल रहा था। इफ्तिखार खाट पर बैठा, उसने कहवा से भरा बर्तन उठाया, उसमें से अपने लिए एक कप में कहवा निकाला और आराम से उसे पीने लगा। उसे अब बस सूरज ढलने का इंतजार था। सूरज ढला और जब अगली बार फिर से होगा, इफ्तिखार भट्ट मोहित शर्मा बन चुका था। मेजर मोहित शर्मा, एक पैरा स्पेशल फोर्सेस। अब तक आप समझ गए होंगे कि इफ्तिखार भट्ट असल में मेजर मोहित शर्मा थे। उन्होंने आतंकवादियों को झूठी कहानी बताकर हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में घुसपैठ की और दो कुख्यात कमांडर्स को मार डाला। ये किस्सा हमें शिवरूर और राहुल सिंह की किताब इंडियाज मोस्ट फियरलेस 2 से मिला, जो पेंगुइन से पब्लिश हुई है। मेजर मोहित शर्मा का जन्म आज के रोज यानी 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। डीपीएस गाजियाबाद से स्कूलिंग करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से एसएसबी क्लियर कर एनडीए में वो भर्ती हुए। एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान उनका निकनेम माइक हुआ करता था। दिसंबर 1999 में वो लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन हुए। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में थी, जहां वो 5 मद्रास में शामिल हुए और 3 साल तक इसी बटालियन को अपनी सेवाएं दी। इसके बाद मोहित ने स्पेशल फोर्सेस को ऑप्ट किया, एक लंबे ग्रोलिंग प्रोसेस से गुजरे और स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग पूरी करने में कामयाब रहे। जून 2003 में वो एक पैरा स्पेशल फोर्सेस में बतौर एक कमांडो शामिल हो गए। मेजर मोहित शर्मा के पहले ऑपरेशन की कहानी हम आपको कुछ देर पहले बता चुके। इसके बाद कुपवाड़ा में उन्होंने एक और सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया। 21 मार्च 2009 की बात है। मेजर शर्मा को पता चला कि कुछ आतंकवादी हफरूदा के जंगलों में छिपे हुए हैं। अपनी टीम को लेकर मेजर शर्मा गश्त पर निकले। इसी दौरान उनकी टीम पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें उनके 4 साथियों को गंभीर चोट आई। मेजर शर्मा ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने 2 साथियों को बचाया और ग्रेनेड से 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इस बीच एक गोली उनकी छाती में भी लग गई। इसके बावजूद वो लड़ते रहे और 2 आतंकवादियों को उन्होंने और मारा। इस लड़ाई के दौरान मेजर शर्मा खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए। अपने अदम्य साहस के लिए उन्हें अशोक चक्र से अलंकृत किया गया। मेजर मोहित शर्मा के जन्मदिन पर हमारी और आपकी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए आज का तारीख हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर से रिकॉर्ड किया था जेरी ने। देखते रहिए दिल अलन टॉप। जय हिंद।